नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज। स्पेन आई न्यूज में आज हम लोग जिक्र करेंगे कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी के बारे में। आपको पता है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लखीमपुर वो जाना चाह रही थी, पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करना चाह रही थी, उनके दुख में शामिल होना चाह रही थी, लेकिन उन्हें 51 घंटे तक हिरासत में रखा गया, बाखूबी आप ये जानते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात आई वो ये कि वो झाड़ू लगाते हुए नजर आई, वो तस्वीरें आईं, वो जो है झाड़ू लगाते नजर आईं, तो उसके बाद विपक्ष ने उस पर जो है हमला बोला, योगी सरकार ने हमला बोला। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसी मुद्दे का प्रियंका गांधी अब फायदा उठाते नजर आ रही हैं। आज पूरे यूपी में ये ऐलान किया गया है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो पूरे यूपी में झाड़ू लगाएंगे। ये बहुत बड़ी पहल है, कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी जागरूकता फैला रही हैं नेताओं के बीच में, जोश भर रही हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, ये इससे कहीं ना कहीं यूपी चुनाव की तैयारी हो रही है, यूपी चुनाव में रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है। और आज देखना होगा कि आखिर जो झाड़ू तमाम कार्यकर्ता नेता लगाएंगे तो इस पर अब विपक्ष का क्या आरोप रहेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या आरोप रहेगा, उनके नेताओं का क्या बयान आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और इस वक्त एक और अपडेट्स जो आपको साथ ही साथ बता दें इसी वीडियो में, वो ये कि आशीष मिश्रा जो आज 11 बजे पेशी होनी थी वो पेशी के लिए रवाना हो गए हैं। देखते हैं कि आखिर सुनवाई में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।